स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। महितपुर तहसील घोसला में बीते 15 दिनों में नगर में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। मजेदार बात यह है कि अधिकतर जगहों पर जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात घोसला पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह भदौरिया को रात में दरवाजा खटखटाने की सूचना मिली, जिस पर दोनों पुलिसकर्मियों ने सर्चिंग चालू की। इस दौरान चार लोगों और पुलिसकर्मियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें चोरों ने जमकर पत्थरबाजी की। अंधेरा होने की वजह से सभी चोर बड़ी पुलिया से नीचे के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। पुलिसकर्मियों की मुश्तरी से घोसला नगर में तो कोई बड़ी घटना होने से बच गई, मगर घोसला से 2.5 किलोमीटर दूर सुबह करीबन 4:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी इको कार चोर चुरा ले गए। मजेदार बात यह है कि वहां भी सीसीटीवी फुटेज में चोर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरों में पुलिस का कोई भय नजर नहीं आ रहा है, जिससे जनता में भय का माहौल पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात को पुलिस नहीं आती तो घोसला में बड़ी घटना घट जाती। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। अच्छा दो जना दिख रही है बस आए थे घुसला में, जहाँ पुलिस ने उनका आमना सामना हुआ तो पुलिस ने उनको खदेड़ा, तो वहाँ से पीछा करते हुए वो शहर के बाहर भागे अंधेरे में। कस्बे बारों ने पीछा किया, पुलिस ने काफ़ी ढूंढा, आज सब बदमाश मिले थे, लेकिन संभवतः उन्हीं बदमाशों ने एक कार घोसला से 3 किलोमीटर दूर पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी शंभू सिंह जी की एक स्पोर्ट, वो उसका लॉक तोड़ के गाड़ी को ले जाने से। सर ये जो घटना घटी और कहाँ कहाँ स्थल पर घटी है? घटना ये पेट्रोल पंप सवारिया पेट्रोल पंप पे एक स्पोर्ट से यहाँ ले गए हैं, और ये घोसला में जो है नरेंद्र सोनी की दुकान के आसपास चोटें दिखा गई पुलिस को, तो जैसे पुलिस ने उनका संदेह होने पर उनको ललकारा, उनका पीछा किया तो वो भागे, वो अपने बचाव में मतलब बदमाशों बचाव के लिए पुलिस को रोकने की कोशिश किया, तो
पुलिस ने काफी पीछा किया लेकिन वो भाग नहीं सका। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।